अगली खबर है ग्वालियर के बदनाम बदनापुरा से, जहां लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले पुलिस से बचने के लिए लड़कियों से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे। यह सर्टिफिकेट 500 500 रुपए में बहोड़ापुरा के आनंद नगर में चलने वाले एक कियोस्क सेंटर से बनते थे। पुलिस ने कियोस्क सेंटर से युवक युवतियों को निगरानी में लिया है। इनके पास से 50 जाली डॉक्यूमेंट मिले हैं, इनमें से 5 बदनापुरा के हैं। अब पुलिस इन दोनों को थाने में बैठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछ रही है कि अभी तक बदनापुरा के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स और कौन-कौन से बना चुके हैं, क्योंकि देखने में आया है कि जब भी पुलिस यहां सर्चिंग करती है और लड़कियां मिलती हैं तो उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस जिन लड़कियों को छोड़ा गया है उनके डॉक्यूमेंट्स को भी नगर निगम के क्रॉस चेक किया जा रहा है, जहां मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर शहर के पुरानी छावनी इलाके में आने वाला बदनापुरा गांव मानव तस्करी और देह व्यापार के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए हमेशा से बदनाम रहा है। यहां कई बार पुलिस को नाबालिग लड़कियां मिली हैं। यहां लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। जब भी गाँव में पुलिस एंट्री करती है तो गाँव के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। रविवार को ग्वालियर पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्शन के तहत ऑपरेशन शक्ति चलाकर बदनापुरा में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। करीब 150 पुलिस जवानों व अफसरों के साथ पुलिस क्राइम ब्रांच व लाइन से फोर्स लेकर पुलिस अफसरों ने बदनापुरा के रेड लाइट एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने जब दबिश दी तो गाँव में हड़कंप मच गया। विरोध करने की सोच रहे गाँव के लोग पुलिस फोर्स को देख सहम से खड़े रह गए। पुलिस ने एक एक घर में सर्चिंग की तो बदनापुरा के 5 घरों से पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया था, जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष है। इसके साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया था। एक युवक पुलिस के हाथ से निकल गया है। इनमें से 3 लड़कियों से संबंधित दस्तावेज गांव के लोगों ने दिखा दिए हैं, पर 3 के दस्तावेज ना मिलने पर पुलिस ने उनको CWC के सामने पेश कर बालिका आवास गृह में सुरक्षित पहुंचा दिया था। DSP क्राइम ऋषिकेश मीणाने ने बताया कि पुलिस को इस मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाली गैंग के एक महिला पुरुष को हिरासत में लिया है। यह लोग कियोस्क सेंटर चलाने की आड़ में फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इस गैंग से मिले फर्जी दस्तावेजों को पुलिस ने जाँच के लिए भेजा है। पकड़े गए एक युवक युवती से पूछताछ की जा रही है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमें बदनापुरा में जो हमने कार्रवाई की है उसमें जो बच्चियों के प्रमाण पत्र उन्होंने दिए थे वो फर्जी थे, और एक दूसरा इनपुट हमारे पास में था कि एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला एक आदमी भोड़ापुर में इस तरीके का एक रैकेट चला रहा है। तो दोनों इनपुट को हमने एक साथ ही डेवलप किया था, और आज बदनापुरा की कार्रवाई के बाद में हमने भोड़ापुर में जो एक महिला और एक पुरुष को, दोनों को हमने पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया है, और उनके पास से जो सामग्री मिली है उसमें कुछ संदिग्ध सामग्री है, जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड है।